बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा लेटर्स डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आर 18th लेक्चर। लास्ट लेक्चर के रेफरेंस से हम बात करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू लुकिंग एट द सैम्पल्स ऑफ द लेटर्स रिगार्डिंग देयर टोन। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि लेटर फॉर्मेट्स क्या हैं, सेमी ब्लॉक, फुल ब्लॉक और आपको इंडेंटेड के बारे में हमने बताया था कि इंडेंटेड लाइंस जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी सी मार्जिन से हटके होती हैं। एंड यूजुअली इन द बिजनेस लेटर्स द फुल ब्लॉक स्टाइल इज़ वेरी मच कंसिडर्ड अप्रिशिएबल और बहुत उसको अच्छा समझा जाता है बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नीट एंड वेरी प्रिसाइज लुक। तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है और जो रीडर है ही लाइक्स टू रीड अ फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर। और उसमें यह है कि आपके लेफ्ट हैंड मार्जिन से आपका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट लाइन सब चीज़ें लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट होती हैं एंड देन दे एंड इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन एज वेल। सो टेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर, एवरीथिंग इज एंडिंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन। और आप देखेंगे कि ये सैम्पल्स जो हैं वो आपके सामने हैं और हम इनको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हम इनकी टोन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे कि इसकी टोन किस तरह की रखी गई है। एंड यू विल सी हाउ डिफरेंटली दीज लेटर्स आर मेड। और ये मुझे टोन के लिहाज से ही इंटरेस्टिंग लगे थे, दैट इज़ वाई आई हैव गॉट दीज सैम्पल्स फॉर यू। सो इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर इज इन डेट क्रिटिक लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट। अब आपको याद होगा कि मैंने बैड न्यूज़ लेटर्स के सैम्पल्स एग्जांपल्स आपको बताई थी और आपसे ये कहा था कि क्रेडिट रिफ्यूजल जो है वो किन स्टेजेस पे होता है। देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिफ्यूजिंग क्रेडिट। फर्स्ट स्टेज इज व्हेन द पर्सनस जॉब इज लेस देन 6 मंथ्स, तो उसको क्रेडिट रिफ्यूज होता है। सेकेंडली हिज होम एड्रेस इज़ नॉट कमेंडेबल, उसने परमानेंट एड्रेस अपना कोई नहीं दिया या उसके एड्रेसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट रिफ्यूज़ होता है बिकॉज ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको लोकेट आप कहाँ से करेंगे। थर्डली सच अ पर्सन जो इसका के पे इतनी ना हो, सैलरी इतनी ना हो कि वो लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे कर सके, तो उसको क्रेडिट रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर उसके लिए लेस इंस्टॉलमेंट का कोई सजेशन दी जाती है। और लास्टली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो जॉब अपनी बार बार चेंज करते हैं, वो एक जॉब के ऊपर परमानेंटली नहीं रहते, तो उनको भी क्रेडिट्स रिफ्यूज़ होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ क्रेडिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेबल एट वन प्लेस। तो यहीं पे यहाँ पे इस तरह से एक क्रेडिट रिफ्यूज़ हुआ है, उसको देखते हैं कि हाउ इट गोज। बेस्ट बाय की ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने अपना लेटर हेड यूज़ किया है, ठीक है। सो देखें लेटर हेड पे किस तरह से आपकी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है लेटर की वो आ रही है। 1717 ईस्टवुड बुलेवार्ड अटलांटा जॉर्जिया 30317, ये उनके कोड वर्ड्स हैं और एड्रेस में शामिल होते हैं। आप बहुत केयरफुली इसको देखें कि आपके लेटर हेड में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। वॉइस उसके बाद वॉइस मेल शायद इनकी जो है वो 404 ये नंबर है, उसका फैक्स जो है वो एक और नंबर है, और फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है www.bestbuy.com, ठीक है। सो ये एक आपका लेटर हेड का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। और दूसरे जो लेटर्स हम देखेंगे उसमें हमें पता लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वे में किस तरह से लोगों ने अपने लेटर्स दिए हुए हैं, अपनी यू नो लेटर हेड की फॉर्मेटिंग क्या है। कुछ के टॉप पे होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नीचे भी अपना लेटर हेड देती हैं। इट इज़ देयर ओन चॉइस, इट इज़ देयर ओन विल कि वो किस तरह से उसको सप्लीमेंट करते हैं। September 9, 1999, अब आप ये देखें कि डेट किस तरह लिखी गई है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये सारा लेफ्ट हैंड मार्जिन पे है और ये फुल ब्लॉक स्टाइल है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया।
सो आप देखें कि मंथ पूरा लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है और उसके बाद ईयर है. दिस इज अमेरिकन स्टाइल. और वो लोग मंथ पहले लिखते हैं, हम लोग डे पहले लिखते हैं. डे पहले होता है, उसके बाद मंथ होता है, उसके बाद ईयर होता है. तो यहाँ पे मंथ है, डे है और एंड में ईयर है. ईयर जो है वो एंड में ही रहेगा, इवन ब्रिटिश स्टाइल या इवन अमेरिकन स्टाइल. तो ये सैम्पल्स जो हैं वो अमेरिकन स्टाइल के लिए गए हैं. थोड़े से इनकी टोन बड़ी कैजुअल, बड़ी केयरिंग, बड़ी अच्छी है और गुड विल इन सब में मेंटेन हुआ हुआ है. दैट इज़ वाई आई हैव चोजन देम एज सैम्पल्स फॉर यू. मिस जोएल रिचर्ड्स को लिखा गया है, 818 सैंडी स्प्रिंग्स रोड, एटलांटा, GA30328. ठीक है, ये जो है उन्होंने लिखा है. और जोएल रिचर्ड्स को का एड्रेस है वो साथ है. उसके बाद स्पेस है, सी द स्पेसिंग. आप देखें कि लेटर हेड के बाद स्पेसिंग है, उसके बाद डेट के बाद स्पेसिंग है, डबल स्पेसिंग है. उसके बाद आपकी जो रिसीवर है उसके एड्रेस के बाद सिंगल स्पेसिंग है. एंड देन सब्जेक्ट लाइन इज देयर, सब्जेक्ट का वर्ड है, कोलन है और उसके साथ अंडरलाइन हुआ हुआ सब्जेक्ट होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. इट इज़ लेफ्ट फॉर योर थॉट्स. आप सोचें कि ये लेटर पढ़ने के बाद कि हम इसका सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेंगे. और लेट मी गिव यू अ स्मॉल टिप कि पहले लेटर फॉर्मुलेट कर लीजिए, उसके बाद देखें कि इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो शायद आपको ज़्यादा ईजी हो जाए. बिकॉज लेटर में थाट्स आ जाती हैं एंड वेन यू रीड दोज थाट्स देन यू आर एबल टू रियली थिंक कि इसकी पंच लाइन या इसका सब्जेक्ट लाइन जो है वो क्या होगा. सो चलते हैं फॉरवर्ड. सब्जेक्ट लाइन उसके बाद है, डियर मिस रिचर्ड्स. ठीक है, मिस रिचर्ड्स, जोएल रिचर्ड्स ने लिखा हुआ सर नेम को जो है वो प्रेफर किया गया है यहाँ पे. डियर मिस, बिकॉज दे डोंट नो वेदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, तो उन्होंने बड़ा सेफली इसको एम एस कर दिया है, मिसेज नहीं लिखा बिकॉज प्रॉबेबली शी इज़ नॉट मैरिड, तो मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं है. मिस करके फुल स्टॉप एंड देन रिचर्ड्स, उसके बाद कोलन है. ठीक है, देन वेरी डायरेक्ट अप्रोच, योर रिक्वेस्ट फॉर अ बेस्ट बाय केयर्ड टेल्स अस समथिंग इम्पॉर्टेंट. आपने बेस्ट बाय की प्रोडक्ट के लिए अपनी कंसर्न शो किया. इट इज़ टेल्स अस दैट इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. यू इंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ परचेजिंग टॉप क्वालिटी म्यूजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एट बार्गेन प्राइसेस. ठीक है, सो बार्गेन प्राइसेस के ऊपर आप ये आप इंजॉय करती हैं कि म्यूजिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप खरीदें. ईच ईयर बेस्ट बाय has grown because of a commitment to bringing you the best products at the best price. ठीक है, तो उसका नाम ही best buy क्यों है. उसका नाम best buy इसलिए है because उन्होंने लिखा है कि they bring you the best product at the best price. ठीक है, so again image building word. आपको याद होगा कि हमने 7 C's में पढ़ा कि image building word क्या होते हैं. सो यहाँ पे इसी तरह से हम इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं बेस्ट बाय की. बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा और बाय यानी कि यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर. योर एक्सेलेंट क्रेडिट रेटिंग पुट्स यू इन द टॉप 25% ऑफ द क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स. सो आपका एक्सेलेंट क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपको टॉप लोगों में ले आती है कि आप बड़े अच्छे कस्टमर हैं हमारे. Although our Best Buy card requires continuous residence of a credit card customer for 12 months. यहाँ पे देखें refusal क्यों आएगा, because यहाँ पे वो residence का है. इनकी अपनी policy है organization की, company की, कि 12 months से कम जो लोग जिस जगह पे reside किए हों वहाँ पे उनको जो credit facilities हैं वो नहीं दी जाएंगी. Why? Because they will buy things on credit and then they will leave that location. क्योंकि वो substantial वहाँ पे नहीं रह रहे, एक time period उन्होंने वहाँ पे नहीं गुजारा, तो वो उस जगह को छोड़ भी सकते हैं. And when they leave that place,
So where are you going to find them? Where are you going to correspond with them? और किस तरह से आप उनके loans या credits जो हैं उसको pay back होगा? तो वो pay back का यहाँ पे problem आ जाएगा and that is why they have said, देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि we are refusing something. उन्होंने कहा कि although our Best Buy cards require continuous residence of credit card customers for 12 months. हमारी ये policy है. उन्होंने अपनी policy तब बता दी कि 12 months से ज़्यादा लोगों को रहना चाहिए. Your application will remain in our database so that it will be easier for you to reapply after you have lived a year at your current location. ठीक? अब देखें ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात को बड़ा अच्छे वे में पोर्ट्रे किया है. बिल्कुल ये नहीं कहा नो, नेवर, नॉट के वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हुए हैं. कहीं पे भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है. उन्होंने सिंपली ये कहा है कि हमारे डेटाबेस में आपकी एप्लीकेशन रहेगी जब तक कि आप रीअप्लाई करेंगे आफ्टर यू हैव लिव्ड अ ईयर ऑन योर करंट लोकेशन. जो करंट आपकी लोकेशन है उस पे आप वन ईयर तक रहें, 12 मंथ्स जो कि हमारा क्राइटेरिया है, और फिर रीअप्लाई कर दें तो हम आपको क्रेडिट कार्ड बना देंगे. एंड वी आर ऑलवेज फैसिलिटेटिंग यू और वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर यू नो परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अस. और आप हमसे लेते हैं और हमें जो है वो डिस्काउंट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स जो है उसकी यहाँ पे इन्होंने बात की है कि हम उन लोगों को नहीं देते हैं जो कि उन रेजिडेंशियल टाइम लिमिट है उनके पास 12 मंथ्स की. सो सी हाउ नाइसली दे हैव पुट अप. किस तरह से उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया है, पूरा किया है और उसको गुडविल मेंटेन की है. ये नहीं कहा कि वी आर रिफ्यूजिंग समथिंग टू यू या वी विल नॉट बी गिविंग यू द क्रेडिट फैसिलिटीज़, और ये कोई बात उन्होंने नहीं की. सो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप रीअप्लाई करेंगे जब तक आपके 12 मंथ्स पूरे हो जाते हैं एंड यू आर ऑन द टॉप 25% ऑफ द क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स. यानी कि 25 लोगों में आप टॉप पे हैं जिनको कि हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है. सो द ओनली प्रॉब्लम इज योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द करंट लोकेशन. सी, सो यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात को पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया है और ये एक फाइन आर्ट, एक ये खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने आती है. फिर उन्होंने ये बताया है कि थर्ड पैराग्राफ आपको ये कहता है कि इन द मीन टाइम कॉमा वी वांट यू टू नो दैट वी वैल्यू यू एज अ कस्टमर एट बेस्ट बाय. ठीक है, ये गुडविल कि उन्होंने एक फीलिंग उनको क्रिएट की है कि वी वांट यू टू वी वैल्यू यू और हम आपको बड़ा अच्छा कस्टमर अपना समझते हैं. सो वी वांट यू टू नो, वी यू के वर्डिंग्स यूज़ हुए हैं थोड़ा सा पर्सनलाइज करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा उस पे इमेज लाने के लिए और थोड़ी सी केयर उसमें लाने के लिए. सो ये सब चीज़ें प्लीज़ नोट करें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को मेंटेन करते हैं. यू रिटेन योर कस्टमर. वो आप ही के पास आता है, वो आप ही से बात क्यों करता है? बिकॉज यू आर गुड इन योर डीलिंग. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आर एटलांटा एरिया स्टोर्स आर सेलिब्रेटिंग द ओपनिंग ऑफ आर न्यू लोकेशन इन डुलाथ जस्ट ऑफ इंटरस्टेट 85. ठीक है, अब इन्होंने एक इनको आइडिया दिया है. अब ये है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि ये सेल्स लेटर बनता जा रहा है. रिफ्यूजल के साथ साथ ये एक सेल्स लेटर बन गया है. सी हाउ इंटेलिजेंटली इट हैज़ बिन पुट अप. और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जुलाई के महीने में क्या होगा कि एटलांटा एरिया स्टोर्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आर न्यू लोकेशन. और एवरी स्टोर इन द मेट्रो एरिया विल बी ऑफरिंग सेल्स, स्पेशल परचेजेस एंड एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन आर मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. सो रिफ्यूज़ल के साथ साथ ये एक सेल्स लेटर आपके सामने है कि हमारे सारे स्टोर्स जो हैं क्योंकि सेलिब्रेशन अब कर रहे हैं तो वो मेट्रो एरियाज़ में सेल्स ऑफर कर रहे होंगे
स्पेशल परचेजेस पे एडिशनल डिस्काउंट देंगे हमारे पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, जैसे कि रेडियो है या टेलीविज़न है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हैं, तो कंप्यूटर्स हैं, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो आपको डिस्काउंट्स दे रहे होंगे. एंड वी विल बी सेंडिंग यू अ फ्लायर सून. फ्लायर हम आपको भेजेंगे बिकॉज फ्लायर में डिस्काउंट्स बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ें लिखी होंगी और फिगर्स बने हुए होंगे चीज़ों के, और उनके ऊपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स लिखा हुआ होगा, शॉप्स की लोकेशंस लिखी हुई होंगी, वेबसाइट लिखी हुई होगी. सो द फ्लायर इज़ गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय यू वेरी सून और आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. योर लोकल पेपर विल हैव ऑल द डिटेल्स. आपका जो लोकल पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें भी डिटेल्स आएंगी. सी हाउ दे आर मार्केटिंग इट. वो अपनी मार्केट वैल्यू किस तरह से बढ़ा रहे हैं और कितना एनर्जी उसके अंदर उन्होंने डाली है कि वो फ्लायर्स भी बनाएंगे और इस लेटर में भी मेंशन किया है. एंड देन दे आर गोइंग टू टॉक टू यू इन देयर इन द न्यूज़पेपर आल्सो. यानी कि न्यूज़पेपर में भी वो एक जगह लेंगे, लोकेशन लेंगे जिसमें वो अपना एड डाल सकें. दे आर गोइंग टू पे टू द न्यूज़पेपर्स आल्सो. सो एंड दे विल हैव ऑल द डिटेल्स कि किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट है और लोकेशन क्या है, नियरेस्ट आपका जो है वो बेस्ट बाय स्टोर कहाँ है या मेट्रो किधर है जहाँ पे उसका आउटलेट है. सो यू सी ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कंपाइल्ड टुगेदर और इस तरह से आपका एक बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेटर बन जाता है. और ये रिफ्यूज़ल का वर्ड तो यहाँ कहीं आया ही नहीं और सेइंग नो का वर्ड तो यहाँ कहीं आया ही नहीं. और आप देखें कि किस तरह मैसेज कन्वे हो गया है. द रीडर इज़ एब्सोल्युटली एट ईज, वेरी कंफर्टेबल, बड़ा आराम से उसने इस चीज़ को लिया कि ठीक है, एंड आई एग्री कि जी ठीक है, मेरी 12 मंथ की लोकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए तो मुझे क्रेडिट जो है वो ये कार्ड एक बन जाएगा जिससे मुझे चीज़ों पे क्रेडिट मिला करेगा. सो वी अप्रिशिएट आवर कस्टमर्स एंड स्ट्राइव टू गिव देम द बेस्ट एट बेस्ट बाय. So again, we appreciate, we know what you want, you are one of the best, you know, buyers, aur is tarah se you are among the first 25%. Ye sari baatein unhone aap se kahi hain, isko personal touch diya hai, personalize kiya hai aur appreciation dali hai ke hum aapko best cheezein hi provide karte rahenge. Phir sincerely, comma, और उसके बाद स्पेसिंग है. ये स्पेस है जो कि आप सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं. एवियन क्रूगर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. सो शी इज़ दी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ओवर हेयर एंड शी इज़ राइटिंग दिस लेटर. इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, कैसे इसमें सारी बातें समझाई गई हैं. लेटर हेड इज़ देयर, डेट इज़ देयर इन अ यूनिक मैनर, डिफरेंटली रिटन. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि डे, उसके बाद मंथ का पूरा नेम, पूरा वर्ड वो डाल दें और ईयर डाल दें. तो उसके बाद फिर आपके पास एड्रेस है जोअल रिचर्ड्स का, एड्रेस देख लें, सब्जेक्ट लाइन देखें. Dear Miss Richards, you request for a Best Buy kit. Tells us something important. यानी कि ये चीज़ हमें कोई चीज़ important बताती है कि you enjoy the rewards of purchasing top quality music. कि आप हमारे लिए, आप हमारी ही चीज़ों को ख़रीदती हैं और we appreciate it. और किस तरह से credit rating आपकी बहुत अच्छी है और आप हमें 12 months के बाद apply करें. और in the meantime, यानी कि अभी आप ये करें कि हमारे जो स्टोर्स हैं उनमें आप डिस्काउंट्स ले सकते हैं. सो फैसिलिटेटिंग द कस्टमर, उसको ये बताना कि वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, टू असिस्ट यू एंड टू सर्व यू. आपके लिए हमारी सर्विसेज बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं और हमेशा यू नो रहेंगी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं कि किस तरह से एक क्लाइंट को आप अपने साथ
ज्वाइन कर लेते हैं एज अ फैमिली मेंबर, कि वो क्लाइंट आपसे फिर जाता ही नहीं और आपके पास ही आना वो कंफर्ट जो है कंफर्टेबली वो उसके लिए होता है और वो अच्छा फील करता है व्हेन ही और शी इज विद यू. सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी. इसमें तीन पैराग्राफ्स हैं. फर्स्ट पैराग्राफ यू नो उनकी क्वालिटी को बता रहा है मिस रिचर्ड्स की, कि आप में ये क्वालिटी है. सेकंड पैराग्राफ ने ये बताया कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है और आप दोबारा अप्लाई कर दें इस रिक्वायरमेंट को पूरे होने के बाद. योर एप्लीकेशन विल रिमेन विद आर डेटाबेस सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू री अप्लाई. यानी कि आपको री अप्लाई करने में भी मुश्किल नहीं आएगी बिकॉज आपकी एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. वी हैव इट विद अस एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे इन आर डेटाबेस. एंड देन अगेन आपका ईयर कम्प्लीट हो जाए तो आप छोटा सा हमें एप्लीकेशन लिख दें, री अप्लाई कर दें, एंड देन इट द प्रोसेस विल बी वेरी वेरी ईजी एंड वेरी मच यू नो डन क्विकली. सो ये देखें, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंटली बड़ी इफ़ेक्टिवली दी गई हैं. और फिर ऑफ़र है इन द मीन टाइम. थर्ड पैराग्राफ में आपकी ऑफ़र आ जाती है जो कि ये बता रहा है कि अटलांटा स्टोर्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारे स्टोर्स में सेल है, स्पेशल ऑफ़र है, एडिशनल डिस्काउंट्स हैं. सो प्लीज़ गो देयर, इन्जॉय योर सेल्फ. हम फ्लायर भी देंगे और हम आपके न्यूज़पेपर में जो है वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज करेंगे. एंड वी अप्रिशिएट आर कस्टमर्स एंड स्ट्राइव टू गिव देम द बेस्ट एट बेस्ट बाय. ठीक. सो ये जैसे ही आपने पढ़ा आपके जहन में आया कि ये एक कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी है जो अपना कस्टमर लूज नहीं करना चाह रही. और टाइटल देखें अगर आप तो आपको पता चलेगा कि ये लेटर रिफ्यूजिंग क्रेडिट है. इन्होंने रिफ्यूज़ किया है, क्रेडिट रिफ्यूज़ किया है. सो ये सोचें कि इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी. एक दो चीज़ें अपने जहन में लाइए और ये सोचें कि सब्जेक्ट लाइन अप्रोप्रिएट क्या हो सकती है. मेरे ख्याल से सब्जेक्ट लाइन हो सकती है कि reconsidering your application after the allocated time duration. ये हो सकती है या ये भी हो सकती है कि credit card submitted later on. In the meantime, enjoy these bargains. या सिर्फ enjoy these bargains. ये भी credit ये आपकी subject line हो सकती है. ठीक है. So think about it. थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा देखें कि appropriacy क्या है. और subject line मैंने इसमें खुद इसलिए नहीं डाली है कि आप, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सा इसको सोच लें. Think about it and see कि no नहीं कहना, refuse नहीं करना, goodbye customer को कभी भी नहीं कहना. उनसे ये कहना है कि वी अप्रिशिएट आर कस्टमर्स एंड स्ट्राइव टू गिव देम द बेस्ट एट बेस्ट बाय. सो ये आपके पास एक सैम्पल था कि किस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े प्यार से, बड़े हम्बली और बड़ी केयर के साथ, फीलिंग्स बिल्कुल हर्ट ना हो, कोई ये ना समझे कि यू नो हम लोग इनसेंसिटिव लोग हैं और हम कस्टमर की केयर नहीं करते. इसमें तो जगह जगह पे, हर जगह आपको कस्टमर केयर नज़र आ रही है. ये चीज़ ज़रूरी इसलिए होती है कि आई हैव ऑलवेज यू नो डिस्कस्ड इट विद यू कि ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है कि आपका यही कस्टमर जो है, यही क्लाइंट जो है, ये आपका एम्बेसडर भी होता है. एम्बेसडर किस तरह होता है कि आपकी जो डीलिंग्स हैं वो ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस करेगा. अब दिस पर्सन मिस रिचर्ड्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ डिस्कस करेंगी कि लुक आई आस्क्ड फॉर द क्रेडिट और वो ऑर्गेनाइजेशन वाज सो गुड,
उन्होंने मुझे इतना हेल्प आउट किया, बस उसमें सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी कि मेरी लोकेशन जो है वो करंट लोकेशन जो है वो 12 मंथ उसके पूरे नहीं हुए हैं। सो यू सी वो चीज़ बैकग्राउंड में चली गई। उसने कहा कि देयर वाज ओनली अ स्लाइट प्रॉब्लम, सो द वर्ड स्लाइट इज इम्पॉर्टेंट, कि आप उस प्रॉब्लम को, उस रिफ्यूज़ल को कितना डिफ्यूज करते हैं और उसको स्लाइट बना देते हैं, लाइमलाइट से उसको पीछे बैकग्राउंड में ले जाते हैं और वो इतनी बुरी नहीं लगती। और उन्होंने ये कहा है कि इन द मीन टाइम यू कैन यूटिलाइज दीज ऑफर्स और हम आपको फ्लायर भी भेजेंगे। सो कस्टमर को अपने पास ही रखना। अब क्या हुआ कि आपके जो क्लाइंट है उसके थ्री एस्पेक्ट्स हैं नियरली जहाँ पे वो एक्सपोज होता है। फर्स्टली फैमिली, सेकेंडली फ्रेंड्स और थर्डली आपके जो कलीग्स हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में। ये तीन बेसिक सोशल एनवायरनमेंट्स हैं जहाँ पे आप एक्सपोज होते हैं। और एक शख्स अगर बुराई करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो तो वो तीन यू नो प्लेटफॉर्म्स पे बुराई हो जाती है, और अगर 100 के करीब लोग भी वहाँ हैं तो 300 हो जाता ही है। इमेजिन के लूजिंग 300 क्लाइंट्स, दैट इज ऑफुल, दैट इज़ अ यू नो कार्डियक अरेस्ट फॉर एनी कंपनी ओनर। तो यही चीज़ इसीलिए हम बताते हैं आपको बार बार कि ये जो क्लाइंट्स हैं ये एम्बेसडर्स होते हैं, ये आपके बारे में बात ज़रूर करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो हैं वो मेरा लेक्चर की तारीफ भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। तो आप मेरे एम्बेसडर हुए कि मैम हत्या ने लेक्चर अच्छा दिया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें समझ आया, यस शी इज़ अ गुड टीचर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमें उनकी बातें ही नहीं समझ आती हैं, वो पता नहीं क्या बोलती हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, सो शी इज़ नॉट अ गुड टीचर। तो ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूसली रिलेट हो रही हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट यू। और वो तीन स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बताए कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके कॉलीग्स, इन तीनों में आपकी या तो एप्रिसिएशन हो रही है और आपको गुडविल मिल रही है और आपके क्लाइंटेल इंक्रीज हो रही है, या फिर आपको डेप्रिसिएशन मिल रही है और आपके पास से क्लाइंट्स जा रहे हैं। ठीक है, ओके, उन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, वी विल ऑल्सो नॉट गो टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, हम भी उस कंपनी में नहीं जाएंगे, मैं भी वहाँ पर जॉब नहीं करूँगा। और इस तरह से फिर हम बात करते हैं, ठीक है मैं उस यू नो शॉप से परचेज ही नहीं करूँगा कोई चीज़, वो तो बड़े रूड लोग हैं, वो तो उन्होंने यू नो यू दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, कितना रूड उन्होंने लेटर लिखा है, कितनी ख़राब उन्होंने बात की है, और ये तो कोई तरीका नहीं होता क्लाइंट से डील करने का। तो ये सारे सेंटेंसेस जब आएंगे तो आपकी रेपुटेशन, बिलीव मी, इट विल गो डाउन द ड्रेन, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। सो इसलिए हम इन चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल करते हैं। और इसको आप देखें, ये लेटर्स आपके पास हैं, सी द स्पेसिंग, सी द कॉमा, यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे प्रिंटेड नेम है और यहाँ पे डेजिग्नेशन है। कभी ना भूलें कि डेजिग्नेशन ज़रूर देना है, कहाँ पे कॉमास हैं, कहाँ कोलन है, ये सब्जेक्ट लाइन अंडरलाइन ज़रूर कीजिए बिकॉज दैट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर अलॉन्ग साइड वर्किंग विद अस एंड उसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो आई होप दिस बेस्ट बाय लेटर इज़ यू नो वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ। लेटर नंबर 2 इज़ इन डेट क्रिटिक लेटर विद इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लेटर जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। इट इज़ द कंपनी लोगो इज़ देयर, द लेटर हेड इज़ देयर विद कैपिटल बी, ये इनका लोगो है। सो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस लोगोज अपने बनाती हैं एंड दे बिकम देयर ट्रेडमार्क। और उसमें ये होता है कि वो ट्रेडमार्क फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं कर सकती, इट इज़ ट्रेडमार्क फॉर देम सेल्व्स। जैसे कि आपके कॉपीराइट्स होते हैं पब्लिशर्स के,
तो वो जो बुक्स उन लोगों ने पब्लिश की हैं वो कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, बड़ा स्टैम्प्ड लिखा हुआ होता है. और आपने बुक्स अपनी देखी होंगी, कोर्स बुक्स भी हैं, दूसरी बुक्स भी हैं जिन पे के फर्स्ट पेजेस के ऊपर कॉपीराइट्स और वो सारा कुछ मेंशन होता है, प्रिंटिंग डेट मेंशन होती है. तो ये सारी चीज़ें भी टेक्निकल राइटिंग में ही आती हैं कि किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड करते हैं और बड़ा केयरफुल उसमें आप रहते हैं. जैसे बॉजवेल एंड सन्स का लोगो है बी, और किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है उसमें उन्होंने बीच में ब्लैंक छोड़ा हुआ है और बी को डबल उसने ये किया हुआ है. तो ये उनका एक अपना एक स्टाइल है ऑफ कंपनी लोगो, और इसको कोई भी जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, और इसको कॉपी करना जो है वो गोइंग अगेंस्ट द लॉ है, और इसके ऊपर आपके भी केस हो सकता है, आपको कोर्ट ले जाया जा सकता है, आपको सज़ा हो सकती है. सो जो लोगोस होते हैं वो कॉपी नहीं करने चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर एड्रेस है, ये डिफरेंट एड्रेस है, ठीक है, ये डिफरेंटली दिया गया है. रूट 7 हैंकॉक हाईवे, क्लियर लेक, लोवा 50428, वॉइस 515-788-4343, ईमेल boswell@aol.com, फैक्स 515-788-4344. ठीक है, सो इस तरह से ये आपका एड्रेस है. प्रीवियस लेटर जो हमने दिखाया उसमें ये था कि आपका जो ईमेल एड्रेस था वो थर्ड लाइन में था, और यहाँ पे सेकंड लाइन में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी जा चुकी है. फिर आपके पास स्पेस के बाद डेट है, September 13th, 2000. ठीक, क्या है, कस्टमर सर्विस कंप्यूटर टाइम 556 7th एवेन्यू, मेसन सिटी लोवा 50401. ठीक है, सो ये एक अच्छा जो है वो लेटर है, विद अ गुड कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ. आपकी सब्जेक्ट लाइन है ऑफ कोर्स, जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए अप्रोप्रिएट. डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, अब प्रॉबेबली उस शख्स का नाम नहीं पता चला, और या शायद एक न्यू लोकेशन पे लेटर जा रहा है तो पता नहीं है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कौन है वहाँ पे, तो उसका डेजिग्नेशन लिख देना वुड बी अ गुड आइडिया. सो अगेन, डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सेज इट ऑल. ये जो कोई भी नाम का शख्स होगा उसके, अगर वो सर्विस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उसके पास पहुंच जाएगा ये वाला लेटर. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, और ये भी बहुत पोलाइट एक मैनर है कि आप डेजिग्नेशन के साथ स्टार्ट कर दें. जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि समटाइम्स यू डोंट नो द नेम ऑफ द पीपल, उनका नाम नहीं पता चलता, और या फिर ये कि चेंजेस इतनी सारी इकट्ठी आ जाती हैं कि पता नहीं होता कि यहाँ पे अब कौन होगा, बिकॉज दे हैव रीलोकेटेड द पीपल या कुछ इस तरह की बात. तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम चीज़ों को लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि फिर हम इनका डेजिग्नेशन लिख देते हैं. सो हेयर कम्स डियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कोलन के साथ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डियर का डी कैपिटल है, कस्टमर का सी कैपिटल है, सर्विस का एस कैपिटल है, और रिप्रेजेंटेटिव का आर कैपिटल है. सो ये सब चीज़ें आपके बहुत यू नो अटेंशन रिक्वायर करती हैं, एंड आई जस्ट होप दैट यू आर एब्सोल्युटली विद मी, और हम इसको स्टार्ट करते हैं. बॉजवेल एंड सन्स बॉट एन ओलंपिक सिस्टम्स मॉडल PRS-2 CD ROM drive from your store on November 15th, 1999. ठीक है, अब ये कहते हैं कि बॉजवेल एंड सन्स ने ओलंपिक सिस्टम एक मॉडल नंबर ये आपके लिए CD ROM लिया था, नवंबर 15th में को ये लिया था.
ڈیورنگ یور پری کرسمس سیل, یعنی کہ وہ سیل پہ وہ آئٹم تھا, پری کرسمس سیل تھی. جیسے دسمبر میں ان کا کرسمس ہوتا ہے تو نومبر میں انہوں نے پری کرسمس سیل لگائی تھی جس پہ بوزول اور سنز نے یہ آئٹم جو تھا وہ خریدا تھا. وین اٹ واز مارک ڈاؤن ٹو ڈالرز 1999 and 9.95, ٹھیک ہے, تو اتنے ڈالرز کا وہ مارک ڈاؤن اس پہ ہوا تھا کیونکہ وہ پری کرسمس ایک سیل تھی. وی ڈنٹ یوز دا یونٹ انٹل جنوری, جنوری تک تو ہم نے وہ یونٹ یوز ہی نہیں کیا. کاما بیکاز اٹ واز باٹ فار مائی اسسٹنٹ, میرے اسسٹنٹ کے لیے وہ خریدا گیا تھا. سیلز میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی آپ اپنے فرینڈز اور کولیگز اور ان سب کے لیے گفٹس خریدتے ہیں بیکاز اس میں سیل اچھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کے پاکٹ پہ ہیوی نہیں ہوتا. اور کرسمس میں تو پیپل آر بائنگ مینی تھنگس ایٹ مینی اسٹورس فار ایوری بڈی, ہر ایک کو وہ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں, چاہے فرینڈ ہو, چاہے کولیگ ہو, چاہے نیبر ہو, اور چاہے کوئی بھی ہو. فیملی تو آف کورس بہت ویلیوبل ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے لیے یہ خریدا تھا, سی ڈی روم ڈرائیو تھی اور اس کا ماڈل نمبر بھی یہی تھا, اور یہ نومبر میں لیا تھا وین اٹ واز اے پری کرسمس سیل. ٹھیک, اب آپ یہ دیکھیں گے ڈیٹس کس طرح ڈیفائن کی جا رہی ہیں. ویری ویری کلیئرلی نومبر 15th, 1999 ایئر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. چاہے آپ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ چاہے آپ اسی ایئر کی بات کر رہے ہوں, آپ ایئر مینشن ضرور کریں گے. 2012 میں آپ جتنے بھی لیٹرز لکھتے ہیں یا ای میلز کرتے ہیں یا فیکسز بھیجتے ہیں, ڈے ڈیٹ اور ایئر اس کے ساتھ لکھیں, بہت ضروری ہے. اگر آپ نے نومبر 15th صرف لکھا اور ایئر نہیں لکھا تو یہ میسج انکمپلیٹ ہے. پلیز ریممبر کہ یہ اس طرح کا میسج انکمپلیٹ ہو جائے گا بیکاز ایئر مینشنڈ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نومبر کے بعد جنوری میں جب یہ اس کی دے رہے ہیں ریفرنس, تو ایئر تو چینج ہو چکا ہے, 1999 سے 2000 آ چکا ہے. ٹھیک, سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ صرف ڈے اور منتھ سے کام نہیں چلے گا, ایئر آپ نے بہرحال مینشن کرنا ہے, چاہے آپ کی یو نو ایوری ڈے کورسپونڈنس ہے, 7 جنوری, 8 جنوری, 9 جنوری, 10 جنوری, آپ نے ان تین ڈیز کے اوپر کورسپونڈنس کی. ایئر سیم ہے لیکن آپ ایئر ضرور مینشن کریں گے. پلیز کیپ دیٹ ویری ویری کلیئرلی ان یور مائنڈ, ایئر چینج سے یا ایئر مینشن نہ کرنے سے بہت پرابلم آ سکتی ہے, بہت فرق پڑ سکتا ہے اور ہر چیز کی جو انفارمیشن ہے وہ الٹی ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, تو آپ کو اس سب چیزوں کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. دین وی ڈنٹ یوز دا یونٹ انٹل جنوری, جنوری تک یونٹ یوز نہیں ہوا. کاما بیکاز اٹ واز باٹ فار مائی اسسٹنٹ, اسسٹنٹ کے لیے خریدا گیا تھا. Who unexpectedly took 6 weeks leave from mid of November through December. تو وہ اسسٹنٹ نے کیا کیا تھا کہ اس نے لیو لے لی تھی آفس سے اور اس کو یہ گفٹ جو تھا وہ ڈلیور نہیں ہو سکا, اور اس نے کہاں کب سے لیو لی. سی ہاؤ کلیئرلی دے آر رائٹنگ ایوری تھنگ, ہر چیز بڑی پریسائسلی مینشن ہوئی ہے کہ مڈ آف نومبر سے ڈسمبر تک تو اس نے لیو لے لی تھی. سو اس لیے, اور آپ کی یہ جو سیل تھی وہ 15th نومبر کو انہوں نے خریدی تھی اور پری سروس سیل سے لیا تھا, پھر اس کو رکھ دیا گیا بیکاز اسسٹنٹ واز ناٹ دیئر, ہی اور شی واز آن لیو, اینڈ دین شی کیم بیک اور ہی کیم بیک لیٹر آن. تو پھر یو کین امیجن ہر فرسٹریشن, یہ شی ہے, یو کین امیجن ہر فرسٹریشن وین شی فرسٹ ٹرائیڈ یوزنگ اٹ اینڈ اٹ ڈیڈنٹ ورک. تو کیا ہوا, یہ چیز ہوئی کہ جب اس کو یہ چیز جنوری میں ڈلیور ہوئی, نومبر کی خریدی ہوئی, جنوری میں ڈلیور ہوئی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس, آف کورس شی واز آن لیو اینڈ کرسمس تھا, سب لوگ انجوائے کرنے اپنے اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے اور ان کی کرسمس لیو ذرا لمبی ہوتی ہیں, تو وہ یوز ہی ہوا جنوری میں,
और जब जनवरी में उसने उसको निकाला तो वो शी बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड कि उसने काम ही नहीं किया. अब वर्डिंग्स देखें, यू कैन इमेजिन हर फ्रस्ट्रेशन. यू बहुत डायरेक्ट, बड़ी अच्छी क्लोज अप्रोच कि आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी अनहैप्पीनेस, उसकी फ्रस्ट्रेशन. इसमें फीलिंग्स का एलिमेंट डाल दिया गया है कि बी विद मी, आप हमारे साथ यू नो रिकनसाइल करें, आप हमारी प्रॉब्लम को समझें, आप उसको फील करें कि कितनी उसको फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस हुई होगी जब उसने अपना गिफ्ट एक्साइटेडली खोला और वो उसने वर्क करने से रिफ्यूज़ कर दिया, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसने काम नहीं किया. सो इमेजिन द मोमेंटम डेवलपिंग वेरी स्लोली ग्रेजुअली. बड़ी डायरेक्ट अप्रोच है, ये नहीं लिखा हुआ कि वी आर दिस कंपनी एंड वी हैव बॉट दिस थिंग्स फ्रॉम यू. उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि बॉसवेल एंड सन बॉट एन ओलंपिक सिस्टम, यानी कि कम टू द पॉइंट. और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो फ्लारी लैंग्वेज और बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. सो वो एक डायरेक्ट अप्रोच स्टार्टिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक. उसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि क्या चीज़ किस टाइम पे किस डेट पे हुई, और उन्होंने रीज़न भी दिया कि जनवरी में भाई उसको क्यों खोला गया. वो अगर नवंबर 15 को ख़रीदा गया था तो वो नवंबर 20 तक खुल जाना चाहिए था और वो विद इन द मंथ वो होता. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इट वाज बॉट फॉर द असिस्टेंट जो कि अनएक्सपेक्टेडली छुट्टी पे चली गई, और जब वो वापस आई तो वो उनको गिफ्ट दिया तो वो उसने काम नहीं किया. सो रीजंस साथ साथ हैं, बड़े लॉजिकल, बड़े टू द पॉइंट, और वर्डिंग्स लाइक यू नो अनएक्सपेक्टेडली वेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये वर्डिंग्स उसमें डाली गई हैं डेलिब्रेटली, बिकॉज मोर और लेस आपने आगे चल के कोई फेवर मांगना है, कोई बात अपनी मनवानी है, कोई चीज़ पूरी करवानी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको उसी तरह से फैसिलिटेट करेगी. यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ चेंज हो गया है थोड़े सी डायरेक्टनेस एंड बैकग्राउंड अप्रोच के साथ, ठीक है. उसका जो है आपको सेल प्राइस भी उन्होंने बता दी है, ताकि ऑफ कोर्स जब चीज़ें सेल्स पे नहीं होती हैं तो उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं. सो सेल प्राइस भी मेंशन कर दी गई है. थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कि ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरह से सीक्वेंस में आ रही हैं. सो योर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट्स कि इन जनवरी कॉमा वी टुक द ड्राइव टू द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर एंड वर अश्योर्ड दैट द प्रॉब्लम वॉज मेरली अ लूज कनेक्शन, ठीक है. तो जनवरी में नवंबर की खरीदी हुई चीज़ को दिसंबर गुजर गया, जनवरी आ गया, और जनवरी में फिर हमने ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे हम गए, किसी और सर्विस स्टेशन पे हम नहीं गए, जो ऑथराइज था हम उसी के पास गए हैं, और दे टोल्ड अस दैट इट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ अ लूज कनेक्शन, ठीक. नाउ यू सी इन्होंने ये चीज़ क्यों यहाँ मेंशन की कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे हम गए. दे हैव मेंशनड इट बिकॉज अगर आप किसी भी सर्विस स्टेशन पे चले जाएं तो जिस कंपनी से आपने वो गैजेट ख़रीदा होता है उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है. ये इसको किसी और ने यू नो टच कर लिया, किसी और ने उसको खोल लिया और वो टेम्पर हो गया, ठीक है. और फिर आपके आपका हक नहीं बनता कि फिर आप उसी कंपनी के पास वापस जाएं और कहें कि वी यू नो शोड इट टू दिस पर्सन, ही कुडंट पुट इट राइट, सो नाउ हेयर इट इज़ यू पुट इट राइट बिकॉज इट बिलोंग्स टू योर कंपनी. इस तरह से कभी भी जो आपकी बात है वो नहीं बनेगी, क्योंकि आपने ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन पे सर्विस सेंटर पे नहीं गए हैं. जैसे सोनी के सर्विस स्टेशन हैं, आप वहीं जाते हैं
जैसे पैनासोनिक के हैं आप उन्हीं के पास जाते हैं, जैसे और कंपनीज हैं ओरिएंट है, डेल है उनके पास जाते हैं, आपके डॉलेंस है उनके पास जाते हैं, तो उनकी सर्विस स्टेशन उन्हीं के पास जाना ज़रूरी होता है. इफ़ योर गैजेट इज़ नॉट वर्किंग यू हैव टू गो टू द सेम पीपल, क्योंकि वो उसको फिर ओन करते हैं. ओनरशिप का एलिमेंट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको ओन करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है हमारी गलती है, यस वी एक्सेप्ट इट. अगर किसी और ने उसको टच कर लिया, टैम्पर कर लिया, खोल लिया उस गैजेट को, तो फिर वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, आउट ऑफ केयर हो जाएगा, आउट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला गया एंड देन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. ठीक. सो इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ मेंशन किया है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पे वो हम उसको लेके गए, ताकि कोई लूप होल ना रहे कि आपने पता नहीं किससे खुलवा लिया, किस सर्विस स्टेशन पे गए थे, वो तो हमारा है ही नहीं, तो हम तो ओन नहीं करते अब ये, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड हेयर कि ऑथराइज सर्विस सेंटर था एंड दे रीअश्योर्ड दैट इट वॉज अ लूज कनेक्शन. एक लूज कनेक्शन था तो उसमें उससे ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हुई. द सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड द ड्राइव. अब रिप्रेजेंटेटिव ने ड्राइव को फिक्स कर दिया. बट इन अप्रैल वी हैड टू हैव इट फिक्स्ड अगेन. यानी कि उसको फिक्स किया, लूज कनेक्शन ही था, उसको फिक्स किया, लेकिन अप्रैल में इसको दोबारा फिक्स करवाना पड़ गया बिकॉज फिर कोई प्रॉब्लम आ गई. सो इसी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो सही चला, अप्रैल में फिर वो ख़राब हो गया. सो यू सी द टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड अगेन एंड अगेन विद अ लॉट ऑफ केयर एंड विद अ लॉट ऑफ कर्टेसी आई वुड से, कि बड़े अच्छी तरह से बड़े पॉजिटिव वे में ये एक कंप्लेंट लेटर चल रहा है. ठीक है. और ये किस तरह से आपको जो है वो मैसेजेस पहुंचा रहा है. सो बट इन अप्रैल वी हैड टू हैव इट फिक्स्ड अगेन. अनदर लूज कनेक्शन. अब देखें डैश के बाद लिखा हुआ है अनदर लूज कनेक्शन, यानी कि जवाब दिया है कि वो अप्रैल में एक और लूज कनेक्शन हो गया था, तो हमें पता ये लगा जब हमने फिक्स करवाया कि फिर से लूज कनेक्शन का जो है इशू वो आ गया है और ड्राइव इसीलिए नहीं चल रही और फुल स्टॉप है. यू सी द फुल स्टॉप्स एंड कॉमास एवरीवेयर. द सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड द ड्राइव कॉमा, बट इन अप्रैल वी हैड टू हैव इट फिक्स्ड अगेन, डैश आ जाता है. व्हाई? अनदर लूज कनेक्शन, यानी कि जवाब दे दिया गया है साथ ही. तो डैशेस, कॉमास, फुल स्टॉप्स देखें किस तरह से प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, पंक्चुएशंस भी साथ साथ अच्छी चल रही हैं, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी ठीक है और टोन भी कर्टियस, डायरेक्ट और पोलाइट है. ठीक. फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स कॉमा द ड्राइव वर्कड रीजनेबली वेल. यानी कि अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई, इन तीन महीनों में ड्राइव ने हमें रीजनेबली अच्छा काम करके दिखाया. रीजनेबली वेल इट मीन्स दैट दे आर नॉट एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. ठीक है. लेकिन वर्डिंग्स देखें रीजनेबली वेल. तो कंपनी को हर्ट भी नहीं कर रहे. वो ये भी कह सकते थे कि योर प्रोडक्ट इज होपलेस, वी डोंट वॉन्ट टू कीप इट, टेक इट अवे, वी वॉन्ट आर मनी बैक एंड यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड आइटम्स एंड इम्प्रूव योर यू नो सेल्स सर्विस. और इस तरह की बातें हो सकती थी, कही जा सकती थी, बट यहाँ पे आप देखें कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कही गई. सो द ड्राइव वर्कड रीजनेबली वेल कॉमा although the response time was occasionally slow. अब उन्होंने रीज़न भी दे दिया है
कि रिस्पांस टाइम जो है वो रीज़नेबली स्लो था. सो मसला आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है और वो स्लोली ग्रेजुअली अपना टेम्पो इंक्रीज़ कर रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं सब चीज़ों को. रिस्पांस टाइम वाज ओकेजनली स्लो, फुल स्टॉप. टू मंथ्स अगो द ड्राइव स्टॉप्ड वर्किंग अगेन. ठीक है, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया. टू मंथ्स अगो के अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो ओकेजनली स्लो हो जाता था, रीजनेबली अच्छा काम कर रहा था, लेकिन दो महीने पहले द ड्राइव स्टॉप्ड वर्किंग अगेन. ड्राइव ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया, वेरी डायरेक्ट अप्रोच के इट स्टॉप्ड वर्किंग अगेन. स्टॉप्ड यानी कि बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल ख़त्म. तो यूज़ सी द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज ओवर हेयर, फुल स्टॉप. वंस मोर कॉमा द सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ब्लेम्ड अ लूज कनेक्शन एंड मेड द रिपेयर. ये अब बात जो है वो लूज कनेक्शन पे चलती जा रही है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा और ये अब थर्ड टाइम के सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो था उसने कहा कि कनेक्शन लूज है, नो प्रॉब्लम. वो भी प्रॉब्ली बहुत सीरियसली क्रिटिकली इस गैजेट को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वो रिस्पॉन्स टाइम भी उसका स्लो है, उस पर भी किसी ने अटेंशन नहीं दी. तो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी कुछ अपना काम बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो नहीं कर रहे. सो उसने लूज कनेक्शन को फिर से ब्लेम किया और रिपेयर कर दी. रिपेयर हो रही है, रिपेयर वो करवा रहे हैं और रिपेयर नोबडी इज़ रिफ्यूजिंग, दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड और सारी चीज़ें चल रही हैं. सर्विस सेंटर जो है वो भी अपनी तरफ से सही काम कर रहा है. ओके, ऑल्दो द ड्राइव इज़ वर्किंग नाउ, ऑल्दो यानी कि बेशक ये ड्राइव अभी काम कर रही है, ऑल्दो इट इज़ वर्किंग, प्रॉब्लम्स हैं. ऑल्दो का वर्ड जो है वो आपको फ्यूचर की का रेफरेंस दे रहा है कि काम तो ये कर रही है लेकिन बट ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है. सो सी द वर्ड ऑल्दो इट हैज़ बिन यूज्ड वेरी वेरी केयरफुली ओवर हेयर कि ये इसको किस तरह से आपने लोकेट किया है और किस तरह से ये जो है आपके पूरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है. सो ऑल्दो द ड्राइव इज़ वर्किंग नाउ इट इज़न्ट वर्किंग वेरी वेल. ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा. सो सेज दैट इट इज़ वर्किंग बट इट इज़न्ट वर्किंग वेरी वेल. सो सी द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, पोलाइटनेस, डायरेक्टनेस, नो रूडनेस एट ऑल, बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा अच्छा इसके अंदर आपको एक वो एटमॉस्फेयर और बड़ा कंसर्न के साथ लिखा हुआ, डिटेल के साथ लिखा हुआ लेटर है और इसको जो भी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पढ़ेगा ही विल वांट टू फैसिलिटेट बॉसवेल एंड सन्स, इनको सपोर्ट करेगा और फैसिलिटेट करेगा. सो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा वर्क नहीं कर रहा, इट इज़न्ट वर्किंग वेरी वेल, द रिस्पॉन्स टाइम इज़ स्टिल स्लो, अभी भी स्लो है, पहले भी स्लो था अप्रैल में जब वो फिक्स हुआ और वो लेके गए, उसके बाद अभी भी वो रिस्पॉन्स टाइम जो है उसका स्लो है. एंड द मॉनिटर सीम्स टू ड्रैग समटाइम्स, मॉनिटर कभी कभी ड्रैग करता है, बड़ा स्लो है, बड़ा सही तरह से उसके ऊपर चीज़ें नहीं आती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस ड्राइव में आ रही हैं. सिंस नवंबर दे हैव नॉट हैड अ सेटिस्फैक्ट्री यू नो रिजल्ट विद दिस गैजेट. अब यहाँ पे अगस्त सितंबर तक बात जो है वो चली गई है, तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि लेट्स राइट डिटेल्ड लेटर. ये डिटेल में लेटर है लेकिन आप ये देखें कि इसके सिर्फ आपको
तीन से चार, एक दो तीन और ये चार पैराग्राफ्स नज़र आएंगे और ये वन पेज लेटर है, ठीक है, ये देखें। और ये किस तरह हुआ है, ये सिर्फ प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करने पे हुआ है। सी द प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी ऑफ यूजिंग गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स, यू नो, कन्वेइंग योर मैसेज करेक्टली, कंसाइसली, कम्प्लीटली, ठीक। सो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नाउ ही सेज के द रिस्पॉन्स टाइम इज स्टिल स्लो, अभी भी स्लो है और मॉनिटर भी ड्रैग कर रहा है, एंड देन फुल स्टॉप। उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है और अब ये आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी चीज़ देखें कि कितना इंटेलिजेंटली, कितना क्लियरली ये बातें सारी की गई हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टू पैराग्राफ्स के बाद, टू डिटेल्ड पैराग्राफ्स के बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर पॉलिसी ऑन एक्सचेंजिंग अनसेटिस्फैक्ट्री मर्केंडाइज, क्वेश्चन मार्क, ठीक। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ हो सकता था कि सिंस वी आर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड विद योर आइटम, वी वांट इट रिटर्न्ड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो जाता और बड़ा इम्पोलाइट सा होता और थोड़ा सा रूडनेस भी उसमें शामिल होती और टोन अच्छी ना होती, ठीक है ना। वेयर एज यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन करके अपना कंसर्न शो कर दिया है, अपनी विश बता दी है कि हम ये चाहते हैं। सो सी हाउ इंटेलिजेंटली इट हैज़ बिन रिटन, और यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये सैम्पल्स मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि देखें बात करने का तरीका क्या है, किस तरह से लोग अपनी बात को पॉजिटिवली कन्वे करते हैं। लड़ाई झगड़ा भी कर सकते थे, गुस्से में भी आ सकते थे, चीज़ें तोड़ भी सकते थे, आग भी लगा सकते थे, कुछ भी कर लेते, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिविलाइज्ड गुड एथिकल सोसाइटी ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी जो यू नो इनर उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि एक्सचेंज हो जाए ये किसी तरह से, उसको किस तरह से सेंटेंस में डाला है और क्वेश्चन रख दिया है उनके सामने। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों की रिस्पेक्ट जो है ना वो इंटैक्ट है, कि अगर तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे कि जी हम एक्सचेंज नहीं करते तो भी हमारी कंपनी की रिस्पेक्ट रहेगी। हमने ये नहीं लिखा कि प्लीज़ एक्सचेंज इट फॉर गॉड सेक, वी वांट इट एक्सचेंज, डू समथिंग एंड प्लीज़ एक्सचेंज द गुड, इस तरह की बात हमने बेगिंग नहीं की। हमने बड़ा एक अपना स्टैंडर्ड रख के एक बात की है और उसका जवाब भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही आएगा, बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा केयरिंग आएगा, बड़ा ठीक ठाक आएगा। तो ये देखें कि आपने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की है। समटाइम्स यू पुट क्वेश्चंस इन योर लेटर्स, समटाइम्स यू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज यू वांट टू बी सेटिस्फाइड इन व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी। वही चीज़ आपको, उसका जवाब ही आपको नेक्स्ट स्टेप बता देगा और आपकी जो ईगो है, आपकी जो इंटेग्रिटी है वो इंटैक्ट रहती है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट सो एक्सचेंज इट, ठीक है, जवाब आता कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स इट हैड एंड वी हैव नो पॉलिसी फॉर एक्सचेंजिंग। ये एक तरीका हो सकता था लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बड़ा प्यार से, बड़े केयरफुली इस चीज़ को सारे को जो है वो आपने डिलीवर किया। सो दे आर आस्किंग इन द थर्ड पैराग्राफ, स्पेसिंग के बाद,
What is your policy on exchanging unsatisfactory merchandise? आपकी पॉलिसी क्या है एक्सचेंज की अनसेटिस्फाइड जो है वो मर्केंडाइज पे. हो सकता है उनकी कोई पॉलिसी हो सकता है उनकी कोई पॉलिसी ना हो, हो सकता है वो इनको फैसिलिटेट कर दें, हो सकता है बड़ी अच्छी पॉलिसी हो जो कि बड़ी पॉजिटिव हो कि एक्सचेंज बड़े आराम से हो जाएगा विद मिनिमम यू नो पेमेंट या कोई ऐसी चीज़. तो दे आर ओपनिंग सजेशंस टू दीज पीपल. इस लेटर में सजेशंस ओपन हो रहे हैं. अब ये रिसीवर ऑफ द लेटर जो है वो ये सोचेगा कि इतनी इनको ट्रबल आई है, इतनी प्रॉब्लम हुई है पिछले दो पैराग्राफ में. दे हैव बिन डिस्कसिंग कि क्या मसला हुआ, क्या चीज़ ऐसी हुई जो कि हम यू नो करते रहे और ये जाते रहे सर्विस सेंटर्स पे और प्रॉब्लम आती रही, किसी ने उसको सीरियसली देखा नहीं और फिर उसका जो था वो रिस्पॉन्स टाइम भी ख़राब हो गया, फिर मॉनिटर भी स्लो हो गया, सही नहीं रहा. तो वाई नॉट यू नो सेटिस्फाई देम. और अब हम अपना अच्छा कस्टमर क्यों लूज़ करें जबकि वो इतने पोलाइटली पूछ रहे हैं कि कोई पॉलिसी है, या अगर पॉलिसी नहीं है तो ठीक है वी विल बी क्वाइट, हम खामोश हो जाते हैं, टाइम बहुत गुजर गया है और इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता. सो दैट इज़ वन वे ऑफ अप्रोचिंग इट. सो अगेन ये सब चीज़ें जो हैं वो लूज एंडेड क्वेश्चंस दे दिए गए हैं कि आप ही इसका जवाब दें, आप हमें सोल्यूशन बताएं. Then reason giving, although all the repairs have been relatively minor, यानी कि repairs जो हैं वो relatively minor हैं, छोटी हैं, लेकिन and have been covered by the 1 year warranty. वारंटी से वो कवर हो गई हैं, 1 year warranty है. अभी शायद सितंबर तक की लोकेशन आई है, अक्टूबर नवंबर, अभी नवंबर रहता है, नवंबर 1 year इनकी जो वो है वारंटी वो एक्सपायर हो जाएगी. सो ही सेज के चेंजेस रिपेयर्स जो हैं वो माइनर हैं एंड हैव बीन कवर्ड बाय द 1 year वारंटी. वारंटी के अंदर ही थी तो वो कवर हो गई हैं. कॉमा वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ड्राइव. अब इन्होंने आखिरकार यू नो बेसिक बात कह दी है कि हम ड्राइव से सेटिस्फाइड नहीं हैं. सो सी हाउ इट हैज़ बिन पुट अप, किस तरह से ये सारी बात जो है वो आपके सामने है. पिक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर. लेटर बहुत लंबा बिल्कुल नहीं है, बड़ा प्रिसाइज, बहुत कंसाइज और कंप्लीट है. सो 1 year वारंटी में हमें फैसिलिटेशन तो मिली, हमें फैसिलिटेट किया गया, लेकिन ये जो है हम इस ड्राइव से खुश नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी विद इट. और ये जो है अब आप बताएं कि एक्सचेंज की क्या प्रोसीजर है या कोई पॉलिसी है या नहीं. ठीक है, फिर फुल स्टॉप आ जाता है. वी वुड लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर अ सिमिलर मॉडल फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर. ठीक है, अपनी विश इन्होंने थर्ड पैराग्राफ में अपनी विशेस बता दी हैं. वो क्या है कि एक तो हमें पॉलिसी बता दें और दूसरा ये कि वारंटी के विद इन ही था तो वो माइनर चेंजेस थी, सो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ी. बिकॉज इफ थिंग्स गो बियॉन्ड वारंटी तो वो फिर आपको जो है वो रिपेयर शायद हो जाए लेकिन उसमें आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं. सो ही सेज दैट वी वुड लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर अ सिमिलर मॉडल. सिमिलर मॉडल ही हमें चाहिए, कोई नया मॉडल, कोई बहुत ब्रांड न्यू मॉडल हमें नहीं चाहिए. उसके साथ हम इसको दूसरे मैन्युफैक्चरर जो है वो हमें ये दे दे. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर मॉडल, व्हाई? बिकॉज प्रॉबेबली न्यू मॉडल की प्राइस ज़्यादा होगी एंड दे डू नॉट विश टू पे, वो पे नहीं करना चाह रहे. तो ये देखें कि रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट इज़ ऑल्सो अ फाइन आर्ट. और एक अच्छे बिजनेस डीलर, बिजनेस कम्युनिकेटर, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस एक्सपर्ट की ये क्वालिटी होती है कि वो पढ़ लेता है कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है या लेटर क्या चाहता है, क्या मांग रहा है और क्या सवाल पूछ रहा है और इसके अंदर बिटवीन द लाइंस क्या मैसेज है.
अब वो मैसेज बिटवीन द लाइंस क्या है? वो मैसेज यही है कि इसको एक्सचेंज कर दें, सिमिलर मॉडल हमें दे दें, न्यू ब्रांड, और उसमें कोई हमें गड़बड़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक आइडिया यही है कि वो कहते हैं कि हमने इतना इसके पीछे हम काम कर चुके हैं कि इसको बार बार रिपेयर और अभी भी इसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आई, तो हमें चेंज करके दें। सिंपल बात यही है, लेकिन कैसे की जा रही है वो एक बहुत ही आपका ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कि तरीका है। वी वुड लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर अ सिमिलर मॉडल फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर। इफ द न्यू ड्राइव कॉस्ट मोर देन द ओल्ड वन, वी विल पे द डिफरेंस। अब वो ये भी कह रहे हैं कि चलें ठीक है, एक्सचेंज कर दें, और अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो फिर हम डिफरेंस पे करने को तैयार हैं। डिफरेंस पे करने को तैयार हैं, पूरा नहीं, पूरी पेमेंट नहीं करेंगे। डिफरेंस ओल्ड और न्यू की प्राइस रेंज में जो डिफरेंस है, यानी कि अगर 100 रुपीज़ का फ़र्क है या $20 का फ़र्क है या $50 का फ़र्क है, तो वो $50 देंगे, पूरे वो पैसे जो है पूरे नहीं। दे विल पे द डिफरेंस, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, और इसमें कोई देर आर नो टू वेज अबाउट इट। ये बहुत क्लियर है कि डिफरेंस पे किया जाएगा, पूरी प्राइस पे नहीं की जाएगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से, किस रेफरेंस में बात हो रही है। कॉमा, इवन दो वी जनरली लुक फॉर इक्विपमेंट विद हैवी बिजनेस डिस्काउंट्स। नाउ यू सी कितना इंटेलिजेंटली ये बात कही गई है कि हम तो इक्विपमेंट ऐसे को ढूंढते हैं जो हमें हैवी बिजनेस डिस्काउंट दे। सो अपनी बात कह दी उन्होंने कि हम पे कर देंगे, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, हम तो हैवी डिस्काउंट मांगते हैं। सो इमेजिन कि कितना इंटेलिजेंटली, कितना क्लियरली सारी बातों को बता दिया गया है, और यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट रीडर होगा तो वो इन सब बातों को समझ लेगा। ही विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने यही बात की है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ जो आपका है वो बड़ा डेंस है, उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसमें बड़ी क्रिटिकल बातें हैं। एक तो पॉलिसी पूछी गई है, फिर ये कहा गया कि हम फिर भी डिससेटिस्फाइड हैं, वारंटी के अंदर था, काम हो गया, पैसे नहीं लगे, लेकिन उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हमारी नहीं है, हमने तो एक्सचेंज करना है सिमिलर मॉडल के साथ, अगर वो मॉडल हमें मिल जाए, कुछ प्राइस डिफरेंस हो तो वो डिफरेंस हम पे कर देंगे। सो वी विल पे द डिफरेंस, ओके। एंड देन इवन दो वी जनरली लुक फॉर इक्विपमेंट विद हैवी बिजनेस डिस्काउंट, तो हम तो बिजनेस ही उनके साथ करते हैं जो हमें डिस्काउंट देते हैं। सो हाउ नाइसली इट हैज़ बिन पोर्ट्रेड। फिर आपका फोर्थ पैराग्राफ है, बॉजवेल एंड सन्स हैज़ डन बिजनेस विद योर स्टोर फॉर 6 years एंड अनटिल नाउ हैज़ ऑलवेज बिन सेटिस्फाइड विद योर मर्केंडाइज। अब उन्होंने उनको एक इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल किया, लेकिन कितना अच्छी तरह से किया है वो आप सीखते जाएंगे आगे आगे जैसे हम लेटर्स डिस्कस करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि हमने 6 साल से हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। 6 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, इवन 1-2 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एनी बिजनेस टू फ्लरिश, टू एनी टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ गुड कॉरेस्पॉन्डेंस विद ईच अदर। तो वो बिजनेस फ्लरिश करने के लिए जो 2 साल हैं वो भी बहुत काफ़ी होते हैं, तो यहाँ तो 6 years गुजर गए और आज से पहले हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सो दे आर सेइंग पोलाइट थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। और क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं कि इसी वजह से आप उनको जो रीडर है वो फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि वो इमोशनली इतना बैकफुट पे चला गया और वो इतना कंसर्न्ड हो गया है, और ये लोग इतना देखें प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन कैसे प्रेशर डाल रहे हैं, बड़ा तरीके से, और कहते हैं कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हम तो 6 years से आपके साथ हैं एंड वी आर काउंटिंग ऑन यू टू लिव अप टू योर रेप्यूटेशन।
यू का एलिमेंट कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हम तो आप ही के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि आप हम आपका रेपुटेशन इतना अच्छा है, यू विल लिव अप टू इट, यानी कि आज भी आप हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको यू नो इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो ये सारी बातें जो हैं वो इसमें आ गई हैं कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट एंड वी हैव बीन सो हैप्पी विद यू, और अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, काइंडली इसको इरेज करें, इसको ख़त्म करें और अपनी रेप्यूटेशन जो आपकी इतनी अच्छी रेप्यूटेशन चल रही है उसको मेंटेन रखिए। लिव अप टू योर रेप्यूटेशन फॉर स्टैंडिंग बिहाइंड योर प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को ओन करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनको आप जो हैं यू स्टैंड बिहाइंड देम, आप कहते हैं कि हाँ जी ये हमारी प्रोडक्ट है और इसमें जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी कंप्लेंट आई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी विल सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि किस तरह से उनको एक इमोशनल ड्राइव दी गई है, एक इमोशनल उनकी केयर की गई है कि देखिए हम 6 ईयर से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं और कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, सो एंड यू ऑलवेज ओन योर प्रोडक्ट्स, उनका बड़ा ध्यान करते हैं, बड़े सर्विस स्टेशंस पे, सर्विस सेंटर्स पे बड़े अच्छे लोग हैं जो हमें अच्छी सर्विस देते हैं एंड वी हैव बीन गोइंग देयर एंड दे हैव बीन सेटिस्फाइंग अस, लेकिन कोई बात बनी नहीं, कुछ कंप्लीशन नहीं आई, कोई हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है बड़े सेंसिटिव हैं और उसके लिए हमें सबसे अच्छा जो है आप वो रिस्पॉन्स देंगे, फुल स्टॉप एंड देन प्लीज लेट अस हेयर फ्रॉम यू सून। तो इसमें एक अर्जेंसी का एलिमेंट डाला गया है। सी द चॉइस ऑफ वर्डिंग्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, किस तरह से वर्डिंग्स यूज़ की गई हैं, ऑल्दो का वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ किया गया है, प्लीज़ लेट अस हेयर फ्रॉम यू सून, सून को स्ट्रेस किया गया है कि हमें जल्दी जवाब दें, हमें जल्दी बताएं, हमारे से रिस्पॉन्स करें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें। सिंसेयरली कॉमा के बाद स्पेस है विद द फॉर द सिग्नेचर्स एंड जिल सॉन्डर्स ने ये सारा लेटर जो है वो लिखा है। सो लेट्स सी इट अगेन विद अ क्रिटिकल आई कि आपका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव की गई है, लेटर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, पैराग्राफ्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 पैराग्राफ्स हैं, बड़े क्लियर, बहुत डायरेक्ट और बहुत क्लियर 4 पैराग्राफ्स हैं आपके। पहले इंट्रोडक्शन है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, ईयर मेंशन है, मंथ मेंशन है, प्राइस मेंशन है, प्री क्रिसमस सेल थी ये भी मेंशन है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, फिर वर्ड लाइक अनएक्सपेक्टेडली और फ्रस्ट्रेशन कि वो अनएक्सपेक्टेडली चली गई छुट्टियों पे, तो वो भी एक एलिमेंट है कि इसलिए इसमें डिले आया। सो वो डिले की रीजनिंग दे रहे हैं कंटिन्यूसली और ये सारी बात आपके सामने बड़ी क्लियर है कि कब से कब तक, किस ड्यूरेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर ड्राइव स्लो हो गई, उसका रिस्पॉन्स स्लो हो गया, फिर मॉनिटर ड्रैग कर गया एंड फिर उसके बाद अब उन्होंने पूछा है 3rd पैराग्राफ में कि पॉलिसी क्या है। सो यू सी बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, फ्यूचर रेफरेंस, पॉलिसी, हर पैराग्राफ में आपकी थॉट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं एंड दिस इज़ द फाइन आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड लेटर। उन्होंने पूछा है, उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन जाहिर की है, बहुत लंबा लेटर नहीं है, अनइंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं और ये कहा है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ड्राइव, उसके लिए क्या करें, सिमिलर मॉडल है, हमें सिमिलर मॉडल चाहिए, प्राइस डिफरेंस
हम पे कर देंगे, प्राइस डिफरेंस पे करेंगे. और उसके बाद फिर ये है कि बिजनेस डिस्काउंट्स तो हम मांगते ही हैं, तो यू नो अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं कि हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, हमारी क्या विशेज हैं और उनको किस तरह फुलफ़िल किया जाए. एंड यू विल स्टैंड बाय योर रेप्यूटेशन, यू विल लिव अप टू योर रेप्यूटेशन, यू विल स्टैंड बाय योर प्रोडक्ट्स, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कस्ड. तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ लेटर जो है वो किस तरह का है और इसमें क्या क्या बातें आपको इंक्लूड की हुई हैं. सी द कॉमास, द फुल स्टॉप्स, द डैशेस ओवर हेयर. ये देखें यहाँ पे डैश है और इसमें फिर आपके सारा कुछ, ओलंपिक सिस्टम, मॉडल नंबर और प्राइस और सारा कुछ ये इसमें आपके पास मौजूद है सैम्पल में. एंड व्हेन यू लुक एट इट अगेन इन योर स्पेयर टाइम, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी और आप उसको केयरफुली जज कर सकेंगे. लैंग्वेज कंट्रोल, टोन देखें क्या है इसमें. बहुत कर्ट टोन नहीं है, बड़ी पोलाइट सी टोन है कि वी विल पे द डिफरेंस इवन दो वी जनरली लुक फॉर इक्विपमेंट विद हैवी बिजनेस डिस्काउंट्स. और बॉसवेल एंड सन हैज़ डन बिजनेस विद यू, 6 साल से हम आपके साथ हैं, तो हमारी केयर करें, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी केयर करें. तो उन्होंने जो अपना जो उनके फ़राइज़ हैं वो भी बता दिए. और उसके बाद सी के सिंसेयरली के बाद कॉमा ज़रूर आता है और स्पेस है फॉर सिग्नेचर और फिर टाइप्ड जो है वो नेम है. तो ये टाइपिंग के जो असूल हैं, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, वो भी देख लीजिए. एंड आई होप दैट यू आर विद मी ऑन द सेम पेज एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टेक्निकलिटीज़ आई एम डिस्कसिंग विद यू. ये चीज़ें इजी हो जाती हैं अगर आप एज ऑडियंस, एज स्टूडेंट्स हमारे सामने हो. लेकिन आई होप कि इसको थोड़ा सा रिपीट करके, थोड़ा सा इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलती हूँ, इसीलिए कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं और इसमें कोई आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो. और देखें कि फुल स्टॉप कहाँ है, फिर कैपिटल लेटर के साथ अगला सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर कॉमास हैं. कॉमा का यूज़ बहुत है क्योंकि थोड़ा सा पॉज देके एक और बात कह देना इज़ वेरी इजी. बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस हैं और अच्छे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, चॉपी बिल्कुल भी नहीं है और लूज एंडेड नहीं है. सारी थॉट्स कंपाइल्ड हैं, फिर उसके बाद थॉट्स चेंज होती हैं, फिर थर्डली, फोर्थली, इस तरह से आपके पास ये सारा का सारा जो है वो डेटा आ जाता है. और जो रीडर है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज़ absolutely clear picture about the letter, what the people want, what the trouble is, how they can facilitate them. और ये reply में जो जो letter लिखेंगे वो भी बड़ा interesting, बड़ा अच्छा होगा और इसी तरह से goodwill maintained होगी. So here we end our lecture today and see you inshallah in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.